शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी का कारोबार चरम पर है, जहां शराब तस्कर अब सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं। दरअसल भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलाघाट रोड स्थित खंजरपुर इलाके में अधीक्षण अभियंता के सरकारी आवास पर जोगसर पुलिस ने बुधवार की सुबह छापेमारी की। इस दौरान उनके आवास परिसर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने बोरे में बंद 3 कार्टून इंपीरियल ब्लू, 2 कार्टून ब्लेंडर प्राइड, 4 कार्टून बियर और 1 कार्टून 100 पाइपर्स विदेशी शराब बरामद किया है। दरअसल जोगसर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएचडी विभाग के अभियंता के आवास पर विदेशी शराब की बड़ी खेप लाई गई है, जिसके बाद एएसआई शक्ति पासवान के नेतृत्व में सीआईएटी की विशेष टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जहाँ गार्ड रूम से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है। पुलिस ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार के गार्ड अमरेंद्र पासवान और उसके सहयोगी छोटू उर्फ संतोष यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता विजय कुमार का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि गार्ड अमरेंद्र कुमार पासवान हमेशा शराब के नशे में रहता था, जिसको लेकर उन्होंने कई बार फटकार भी लगाई थी, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी जानकारी नहीं थी कि शराब तस्करी का धंधा उसके आवासीय परिसर से चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। गार्ड को ले गया है पकड़ के पुलिस। अब जो भी बताएगा सो गार्ड ही बताएगा कि कहां से आया, और गार्ड ही पहले जाके थाना वाला को बताया भी है, और उसी के आधार पर छापामारी हुआ है तो शराब बरामद हुआ है। सर आप यहीं रहते थे ना? हाँ, रहते हैं यहीं। सर आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। गार्ड का क्या नाम है सर? गार्ड का नाम अमरिंदर कुमार पासवान है। कितने दिन से वो यहाँ? बहुत दिन से है, 8-9 साल से था। किस जगह पर से मिला सर? वो गाड़ी वाले हैं? वो पीछे, वो पीछे है, सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। हरियाणा के मेवात में इस्लामिक जिहादियों के द्वारा ब्रजमंडल यात्रा के दौरान किए गए पथराव, गोलीबारी और आगजनी की घटना एवं पर्वती समेत बिहार के विभिन्न जिलों में हिंदू धार्मिक स्थलों पर किए गए पथराव के विरोध में बुधवार को भागलपुर स्टेशन चौक के समीप बजरंग दल की ओर से पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार के कैमूर, गया, दरभंगा, नवगछिया और भागलपुर के पर्वती बुढ़िया काली मंदिर पर ताजिया जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह की घटना को लेकर ही बजरंग दल के द्वारा देश के सभी जिला केंद्रों पर इस्लामिक जिहादियों का पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बजरंग दल के महानगर सहसंयोजक विश्वजीत कुमार ने कहा कि मेवात के नूह में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती रही है, लेकिन दूसरे समुदाय के द्वारा इस यात्रा पर पथराव और गोलीबारी कर आगजनी की गई, जो बहुत ही निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस हिंसा के दौरान 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि यात्रा में शामिल दर्जनों श्रद्धालु भी घायल हो गए हैं। साथ ही कहा कि इस तरह की घटना देश और समाज के हित में नहीं है और यह इस्लामिक जिहादियों के द्वारा बजरंग दल को सीधी चुनौती है। विरोध प्रदर्शन में रोहित रजक, योगेंद्र मिश्रा, सूरज प्रताप, विष्णु यादव समेत काफी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहिता महिला की मौत हो गई है। मृतका महिला की पहचान बरारी रेलवे कॉलोनी निवासी सोनू तांती की 24 वर्षीय पत्नी श्वेता कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर लड़के वालों का कहना है कि श्वेता और उसके पति सोनू के बीच मंगलवार की रात विवाद हुआ था, जिस पर पति ने उसे एक थप्पड़ जड़ा था, जिस कारण उसने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल बांका जिले के महेश मंडल की पुत्री श्वेता की शादी वर्ष 2017 में बरारी निवासी दिनेश तांती के पुत्र सोनू से हुई थी। शादी के कुछ वर्षों बाद ही दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। लड़की वालों ने लड़का पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी श्वेता के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद पिछले 1 साल तक वह अपने मायके में ही रही थी। हालांकि महिला थाना में शिकायत दर्ज करने के बाद दोनों परिवार के बीच सुलह हो गया था, लेकिन बीती रात उसे मारपीट कर हत्या कर दी गई। वहीं सोनू की माँ ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच
विवाद का कारण क्या था इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है, लेकिन लड़की वाले उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने पर बराई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पति सोनू को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि सोनू ड्राइवरी का काम करता है और उसे श्वेता से 3 और 5 साल की 2 बच्ची भी है। फिलहाल मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य को एकत्रित कर लिया है, जबकि इस घटना से दोनों परिवार के बीच मातम पसरा हुआ है। घटना यही हुई है कि जो है हम लोग को सुबह 7 बजे यहाँ से फोन किया गया कि आपके जो है भगिनी को जो है मर गई है, तो कैसे मरी है तो ये हम लोग को नहीं बताया गया। क्या लग रहा है, क्या ये हमारी भगिनी लगती है, क्या लग रहा है, कैसे क्या लग रहा है, क्या कैसे इनको इनके साथ मारपीट करके इनको जान से मारा गया है? किनके द्वारा? लड़का के द्वारा, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, यानी इनके पूरे फैमिली के तरफ से। क्यों, पहले से विवाद चल रहा था? हाँ, पहले से विवाद चल रहा था, ऐसे 1.5 साल पहले लोगों से बातचीत जो है, लड़की से लोग जो है बातचीत नहीं कर रहा था कोई, तो महिला थाना में हम लोग बांका में आवेदन दिए, तो महिला थाना वाले जो है इनके ऊपर फिर कार्रवाई किए, तो ये लोग फिर वहाँ गए, तो इन लोगों का कहना भाई ठीक है सर मेरे ऊपर एफ आई आर नहीं किया जाए और हमें लड़की को बता दिया जाए, हम लड़की को रखेंगे सही सलामत, ऐसे भी रखेंगे, अच्छा से रखेंगे। तो महिला थाना से इन लोगों को सपूत किया गया लड़की को, वहीं से बिदागरी हुई इनका। वहाँ से आने के बाद रास्ते में भी लोग लड़का सब मारपीट किए, लड़का वाले और लड़का का बहन। इसके बाद फिर थाना प्रभारी उनको जो है ऊपर प्रेशर डाले, तो सही सलामत रहा, एक आध महीना बहुत अच्छा चला, कल तक अच्छा चला। दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया? हाँ, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, तो जो मांगा गया था तो खैर वो तो दिया ही गया। बिदागरी के समय बोला गया कि हम लड़की को लेकर जाएंगे, पापा हमको ये सामान दीजिएगा तो इन्वर्टर दीजिए, अच्छा से जो है सब मिलकर रहेंगे, वो भी उनको पूरा किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 29वें दिन मालदा डिवीजन के DRM विकास कुमार चौबे अधिकारियों के साथ अपने सलून से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां DRM ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान DRM ने स्टेशन का निरीक्षण कर कांवरियों की सुविधा को लेकर कांवरिया विश्राम स्थल का भी जायजा लिया और रेलवे के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। DRM विकास कुमार चौबे ने कहा कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन श्रावणी मेला के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और विभिन्न जगहों से प्रत्येक वर्ष यहां लाखों कांवरियां पहुंचते हैं, जो उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना होते हैं, जबकि रेलवे प्रशासन कांवरियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं DRM ने आगामी 6 अगस्त को दिन के 11 बजे से अमृत भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रोग्राम होने की जानकारी देते हुए कहा कि देश के 500 से अधिक स्टेशनों से इस लाइव प्रोग्राम में लोगों के जुड़ने की तैयारी की जा रही है, जबकि अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। वहीं रेलवे की जमीन अतिक्रमण को लेकर DRM विकास चौबे ने कहा कि हर स्टेशन में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण देखा जा रहा है, जिसे जरूरत के अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके अलावा मालदा DRM ने कहा कि सुल्तानगंज स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म, नया वेटिंग रूम और शौचालय भी बनाया जाएगा, जबकि कांवरियों के लिए नए विश्राम स्थल का भी निर्माण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार समेत रेलवे के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ये आपको खुद ही दिखाई पड़ रहा होगा कि बहुत ही ऊपर अच्छा व्यवस्था पूरा किया गया है। यहाँ पे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, RPF और कमर्शियल के स्टाफ को यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। दोनों तरफ टावर बनाए गए हैं जिससे निगरानी रहती है, CCTV लगाया गया है ताकि न केवल यहाँ पर बल्कि मालदा से भी हम लोग देख लेते हैं अपने डिविजन हेडक्वार्टर से कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, और गाड़ियों अतिरिक्त गाड़ियां चलाई गई हैं सभी तरफ के लिए आपकी नॉलेज में है, और स्टॉपेज दिया गया है ताकि यात्री यहां पर रुक पाए। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस और इस तरह के डॉक्टरों की भी की गई है। यह है कि 6 अगस्त को लगभग 500 से ज़्यादा स्टेशनों पे देश भर में शुभारंभ कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का होगा, और इसमें जहाँ तक हम लोगों को सूचना है माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली से हम लोगों के साथ जुड़ेंगे लगभग 11 बजे, और उसके पहले हमने यहाँ के सब जितने सम्मानित लोग हैं उन सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, आमंत्रण भेज रहे हैं। मैं स्वयं भी यहाँ के मेंबर जो पार्लियामेंट MLA सब लोगों से बात करके उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, और NGOs और बाकी जितनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज के स्कूल के बच्चे, इन सब लोगों के जितने भी फील्ड हैं सबके जो सम्मानित लोग हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है।
स्थापना दिवस है, इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई और शुभकामना। पिछले कई सालों से लगातार टीवी ने अपने आप का एक पहचान बनाया है और वंचित शोषित समाज के लिए आवाज़ उठाया है और सही तौर पर अपने आप को पेश किया है। हम इसके लिए दोबारा इनको शुभकामना देते हैं कि अपना अच्छा कार्य करते रहे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी में खाली पड़े सीटों पर नामांकन लेने की मांग को लेकर लगातार तीसरे चौथे दिन बुधवार को आयशा और जन अधिकार छात्र परिषद के नेताओं ने विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए घंटों विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया। इसको लेकर पुलिस पदाधिकारी के साथ वहाँ पहुँचे प्रॉक्टर ने छात्र नेताओं को एक घंटे में कुलपति से बात कर इस पर चर्चा कर वापस आने और फिर छात्र नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही। वहीं इस मुद्दे पर आयशा के विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा और जन अधिकार छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय में हजारों सीट रिक्त है, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और नामांकन के लिए छात्रों को परेशान किया जा रहा है। छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बातों को मानकर नामांकन का समय नहीं देता है तब तक उन लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि उनका प्रदर्शन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों के बढ़ते असंतोष का संकेत है और छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए जिससे तिथि निर्धारित कर रिक्त सीटों पर छात्रों का नामांकन हो सके। मौके पर प्रशांत कुमार सिंह, अनिकेत कुमार, रोशन कुमार, बजरंग कुमार भगत सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे। यहाँ तक कि राज्यपाल भी अवगत हैं, उन्हें पता है कि ये विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जहाँ पर कि दिनकर जी राजेंद्र प्रसाद जैसे महान विभूति पैदा उत्पन्न लिए, मगर आज देखिए सैकड़ों छात्र छात्राएं अंधकार की रोशनी में जिंदगी जी रहे हैं। विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो मिलने के लिए तैयार नहीं है छात्रों से, मजबूरन छात्रों को ये अंधेरी रातों में जो है देख रहे हैं आप, रात होने वाली है, ना तो सुरक्षा मुहैया कराई गई है, ना किसी तरह का व्यवस्था है और छात्र अपनी जान को अपनी हथेली में लेकर किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए सीट खाली रहने के बाद भी पीजी में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है जो कि साफ तौर पर बीसी के तानाशाह रवैये को दर्शाता है। किन मांगों को लेकर आज बैठे हुए हैं? पीजी नामांकन के लिए हम लोग मांग 3 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन कुलपति महोदय जी सुनने के लिए हमारी बात को तैयार ही नहीं है। 3 दिन से बैठे हुए धरना लगाए हुए है जिसके लिए वो खाली सीट होने के बावजूद भी वो एडमिशन लेने के लिए तैयार ही नहीं हो पाए। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर गंगा दियारा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई जिसमें 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए 4 घायलों को तुरंत मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। मामले को लेकर अमर कुमार एवं अनिता कुमारी ने बताया कि चंदन सिंह, मिथुन सिंह और राकेश सिंह सहित कई लोगों के द्वारा 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और पैसा नहीं देने पर सभी लोगों ने गोली बंदूक दिखाकर लाठी डंडे और कचिया से प्रहार कर कई लोगों को घायल कर दिया। अमर कुमार ने बताया कि दूसरे पक्ष के द्वारा इस घटना में शंभूशरण सिंह, अशोक सिंह और शंकर सिंह का सर फोड़कर लहूलुहान कर दिया गया है जबकि इस घटना में दूसरे पक्ष का राकेश सिंह भी घायल हो गया है और फिलहाल सभी घायलों का इलाज भागलपुर मायागंज अस्पताल में जारी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। 5 लाख का रंगदारी मांग रहा है, तब जमीन पर चढ़ने देंगे, गाय भैंस सब जोड़ लिया था, उसके बाद जो है 5 लाख नहीं दिया, बोला हम गरीब आदमी कहाँ देंगे, मेरा खतियानी जमीन है तो इसलिए चंदन और मितुल जो है हमारा और 5 गो बाहरी लड़का लाया था कोई बदमाश कहीं से। खेत पर ही मारपीट हुआ? खेत पर ही मारपीट हुआ। कितने आदमी को मारा है? 3 आदमी को। अच्छा। शंभूशरण सिंह, शंकर सिंह, अशोक सिंह। किस बात को लेकर? भाई चलाने गया ऐसा, हमारा जमीन है उस जगह 20 बीघा, एक जगह प्लॉट है जी जी 10 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, जो होगा इतना हमको नहीं पता है। कौन लोग मारा है? मारा है सुनील सिंह, मंगवाया है बदमाश बुला के अनिल सिंह जो भूतपूर्व उपपूर्व का पति है, वो ससुर है जी जी। और कौन? मनीष सिंह, भगवान सिंह उसका नाम है, और जनवरी सिंह।
का अभी क्या नाम है सर उतना हमको नहीं याद। वही लोग मारा है? हाँ वही सब बदमाश बुला के। मिथुन सिंह घर का नाम है, अब क्या नाम है कागजी अति हमको पता नहीं है, राकेश सिंह है या क्या है। क्यों मारा है? जो सरपंच का बेटा है। क्यों मारा है सर कोई पता नहीं। भैंस चराने हम जाते हैं, हमारा जो जाता है बस भैंस है पति है कि दोनों बड़ा भाई है भैंस है हमारा। पटना उच्च न्यायालय में लंबित जाति जनगणना मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट का फैसला बिहार सरकार के पक्ष में आया है, जिसको लेकर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल की अध्यक्षता में उनके आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जहां सरकार के पक्ष में कोर्ट का फैसला आने पर महागठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने हाईकोर्ट के द्वारा सरकार के पक्ष में आए फैसले को महागठबंधन की जीत बताते हुए कहा कि विधानसभा में दो दो बार जाति जनगणना सर्वसम्मति से पारित होने पर बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री से मिलकर बिहार में जाति जनगणना की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा जाति गणना के लिए कोई फंड नहीं दिया गया। विधायक ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अब विरोधियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बिहार सरकार के पक्ष में आएगा। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, नगर अध्यक्ष प्रोफेसर संजय मंडल, एस के प्रोग्रामर नुमानी अंसारी, नीलम देवी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज कमरगढ़ पंचायत जहगीरा गांव में निर्माणाधीन बहुग्रामीण जलापूर्ति प्लांट का मुखिया भरत यादव ने निरीक्षण किया, जहां घटिया निर्माण होने के कारण मुखिया ने कार्य को बंद करा दिया। वहीं जलापूर्ति प्लांट के घटिया निर्माण कार्य की शिकायत डीएम को मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर पीएचडी विभाग के जेई और एसडीओ निर्माणाधीन कार्य की जांच पड़ताल करने पहुंचे, जहां जरूरी दिशा निर्देश देते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की बात कहते हुए जांच अधिकारी द्वारा पुनः काम शुरू कराया गया। हालांकि मुखिया भरत यादव ने कंपनी द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। वहीं इसको लेकर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर देवाशीष दास ने बताया कि बरसात होने पर छड़ का रंग बदल जाने पर मुखिया के द्वारा छड़ में जंग लग जाने और घटिया निर्माण का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि निर्माण कार्य में टाटा कंपनी का छड़ उपयोग हो रहा है, इसे स्थल पर ही आकर देखा जा सकता है। ये बहुत जल्दी ग्रामीण वाटर टैंक है, जो कि ये पानी यहाँ से नाथ नगर तक जाएगा। ये सब 2011-12 में स्टार्ट हुआ है, आज तक ये पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले एक और कंपनी था जो कि भाग गया यहाँ से, और दूसरा कंपनी आया है जो कि काम जो हो रहा है ये काम कोई काम नहीं हो रहा है, ये खाली खिलवाड़ हो रहा है। हो सकता है कभी ना कभी भविष्य में ये गिर जाएगा और हम लोग को गाँव ग्रामीण को क्षति होगा। इससे रास्ता यही है, बाल बच्चा आता है घूमने फिरने के लिए, इसमें कोई शुद्धता का चीज़ नहीं लगता है। आए दिन कुछ न कुछ घटना यहाँ पर जरूर होगा। और यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर जब हम बोले कि सर ये गलत हो रहा है, जंग लगा हुआ, हम डेली यहाँ पर गाय चराते हैं, हम भी यहाँ का मुखिया हैं, हम गाय चराते, 300 दिन हम यहाँ आते हैं, मेरा घर जस्ट यहाँ से 100-200 मीटर दूरी पर है और मेरा रास्ता यही है बिहार जाने का और खेत जाने का, और गाय लेकर जाना आना यही मेरा रास्ता है। हम सर का जितना बिल्डिंग बना है कोई बिल्डिंग में कभी पानी नहीं पड़ता है, आज ढलैया हो गया तो कल भर के लिए एक दिन पानी पड़ा वो भी नहीं है, लेकिन ढलिया हो गया बात हो गया, प्लास्टर ईटा लग रहा है, कोई पानी नहीं पड़ता जोड़िया में। इसका टाइम तो हम लोग का प्लानिंग था सुबह 6 बजे से काम करेंगे, 2 के अंदर कंप्लीट करेंगे, अभी ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी 2 बजे के बाद अभी देखिए अभी बारिश का सीजन है, बारिश में तो प्रॉब्लम इधर होगा। जो काम के लिए आप लोग इतना टेंशन कर रहे हैं, इतना आरोप है, उससे उल्टा तो अभी ये हो रहा है, अभी बारिश हो जाएगा तो दिक्कत हमारा है।